अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली जो है वो ओपियम अफ्यून के ऊपर है। बहुत सारे वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ ओपियम अफ्यून के ऊपर, तो बहुत सारे लोग जो है रابطہ भी करते हैं, अपने इलाज के बारे में काउंसलिंग भी करवाते हैं और मजीद जो है मैं उन्हें साइकियाट्रिस्ट जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास रेफर भी करता हूँ कि उनके जो है विड्रॉल वो डील कर सके। तो ओपियम बड़ा गंदा और एक ऐसा जो है नशा है जिसे जान छुड़वाना बड़ा मुश्किल है। हर शख्स जो है वो कहता है जी बिल्कुल मैं जो है इससे जान छुड़वाना चाहता हूँ, छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सिवाय बातों के कुछ नहीं करता। इसको छोड़ने के बाद मछली की तरह तड़प लेते हैं और दोबारा से जो है उन अलामतों से बचने के लिए और फिर उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई किसी हद तक तो बेहतरी नजर आए। तो बड़ा गंदा नशा है, सीधी सी बात है। बहुत सारे लोग जो है जो राबता करते हैं और काउंसलिंग करवाते हैं या जो है जिनको मैं साइकेट्रिस्ट के पास या जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जो है रेफर करता हूँ, जो छोड़ना चाहते हैं वो साइकेट्रिस्ट या जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ जो है बकायदा अपॉइंटमेंट लेते हैं, टाइम फिक्स करते हैं, मेडिसिन उनकी लेते हैं और साथ में काउंसलिंग भी जारी रखते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी जो है आ जाकर एक ड्रॉबैक जो मुझे नजर आता है वो ये नजर आता है कि ओपियम वाले अफ्यून वाले सिर्फ और सिर्फ इन्हिसार करते हैं मेडिसिन के ऊपर और ये बार बार छोड़ने के बाद भी जो है ये नशे की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारे जो है ओपियम वालों के जो केसेस हैं वो कुछ ऐसे हैं कि सर हमने घर में नहीं बताया हुआ, हम इसका इलाज करवाना चाहते हैं, हम बड़े परेशान हो गए हैं, उकता गए हैं, बेचैनी की हालत रहती है, छोड़ना चाहते हूँ, अजाब में पड़ गए हैं, तो करें क्या? अगर आप अजाब में पड़ गए हैं, आपने घर वालों को नहीं बताया, तो बता रहे हैं क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा परेशान क्यों है बताएं कि भाई मैं ये पुठे काम करता हूँ, उल्टे काम करता हूँ, गलत काम करता हूँ, ये नशा करता हूँ, क्यों क्यों नहीं बता सकते मुझे बताएं? अगर आप बताएंगे तो वो आपको जो है सही गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, सही इलाज के तरीकाकार के बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे और आपका इलाज करवाएंगे, चाहे वो आउटडोर सेटिंग में करवाएं या इंडोर सेटिंग में करवाएं। इसमें परेशानी वाली बात क्या है? तो इसमें जो है हिचकिचाना क्या है? अगर आपने पुठा काम कर ही लिया, गलत काम कर ही लिया, तो क्या अब इसका अजाला नहीं करना? तो बताएं। मैं तो अक्सर जो है पेशेंट को कह देता हूँ आप भाई फैमिली को तो इन्वॉल्व करें साथ में। फैमिली को पता नहीं है आप अकेले जो है तड़प ही जा रहे हैं, बेचैनी की हालत में जो इसको छोड़ने के बाद विड्रॉवल होते हैं, आप उनको जो है किसी न किसी तरह कवर करने की कोशिश करते हैं लेकिन मजबूर होकर अफ्यून इस्तेमाल कर लेते हैं। अफ्यून है ना, इस कदर जो है गंदा नशा है कि इंसान जो है अगर इसकी तरफ चला जाए, रुझान कर ले, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो वो सारी जिंदगी करता ही रहता है। तो बेहतर ये है, मेरी तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के अंदर कि अगर आप जो आपकी फैमिली को इन्वॉल्व कर लेंगे और सही ट्रीटमेंट को जो है मद्देनजर रखते हुए इसको फॉलो करेंगे तो आप इलाज करवा सकते हैं, वरना तो सिर्फ बातें हैं। जितनी मर्जी आपसे सुन लें, बातें करते रहेंगे, सर छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर आप 2 माह बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद जो है रब्ता करेंगे कि सर ये मसला हो गया। आज जो है ये वीडियो बनाने का जो है पर्पज ये है कि मेरे पास जो है 100 से ज्यादा पेशेंट ऐसे हैं जो ओपियम के साथ हैं, अफ्यून इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने जो है किसी ना किसी तरह जो है काउंसलिंग सेशन जो है ऑर्गेनाइज किए हैं मुझसे या किसी और से। उनके वॉइस नोट या जो है मेरे पास टेक्स्ट पड़े हुए हैं और बकायदा जो है वो रिलैप्स में है। क्यों? यही वजह है कि घर नहीं बताते, अकेले जो है खपते रहते हैं, जलील होते रहते हैं। मैं यही लफ्ज़ जो है सॉरी टू से यूज करूंगा, इवन के कई बार पेशेंट ने मुझे खुद भी जो है ये लफ्ज़ जो है बोला है अपने लिए। मैं पेशेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूंगा। तो ये जो बहुत ज्यादा जो है एक अजीब सी कैफियत में रहते हैं, इस कैफियत से निकल आएंगे। अगर जो है ये इस कैफियत से निकलना चाहते हैं तो घर वालों को बताना पड़ेगा और घर वालों को बताएंगे तो वो सही रास्ते की तरफ, सही मंजिल की तरफ लेकर आएंगे। तो इसमें जो है शर्माने वक्त की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप बताएं, बिल्कुल वो आपका साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे?
जो गलती हो गई है बाद में इसका अजाला करना है। अगर आप बताए बगैर जो इससे बचने की कोशिश करेंगे तो मसले जो है आपको बार बार आए और आप बार बार नशा करें। तो इसलिए बार बार नशा करने से बेहतर है कि आप जो है घर वालों को बता दें कि भाई मैं ये काम करता हूँ, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर के लिए डांट पड़ जाएगी, थोड़े से परेशान हो जाएंगे, कुछ जो है आपके लिए कॉन्शियस हो जाएंगे और जो है मुख्तलिफ इलाज के तरीकाकार को जो है डिफाइन करेंगे, तो जो है कोई बात नहीं, आपकी सेहत के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, तो आप भी उनसे प्यार करते हैं, तो जो है आप बताएं उनसे कि मैं इस अजियत में पड़ गया हूं, मुझे निकालें, गलती कर चुका हूं, इसको सुधारे मेरे साथ मिलके, तो करें तो करें क्या, इसमें परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और अगर जो है कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।